रविशंकर प्रसाद अध्यक्ष महोदय, जयनगर थाना क्षेत्र में 11 मार्च 2022 को अपराधियों ने मोहम्मद जहूर ग्राम सिराही निवासी बासोपट्टी से 40,000 रुपया छीन लिया। जयनगर थाना अध्यक्ष आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पीड़ित को गाली गलौज देकर वहां से भगा दिया। थाना अध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग सरकार से करता हूँ। नमस्कार, जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर थाना क्षेत्र में अपराधी गतिविधि बढ़ने एवं पुलिस कार्यशैली को लेकर खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न में जयनगर थानाध्यक्ष संजय कुमार के खिलाफ प्रश्न करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जयनगर थानाध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है। मजे की बात यह है कि विधानसभा में विधायक अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा उधर जयनगर थानाध्यक्ष के खिलाफ गाथा गाड़ा जा रहा था और जयनगर में अपराधियों का तांडव मच रहा था। अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर 9 लाख रुपये की लूटकर फरार हो गया। जयनगर तथा आसपास की खबरों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद अध्यक्ष महोदय, जयनगर थाना क्षेत्र में 11 मार्च 2022 को अपराधियों ने मोहम्मद जहूर ग्राम सिराही निवासी बासोपट्टी से 40,000 रुपया छीन लिया। जयनगर थाना अध्यक्ष आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पीड़ित को गाली गलौज देकर वहां से भगा दिया। थाना अध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग सरकार से करता हूँ। मैं सुमन महाशय, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामना। आपको मालूम है कि स्थानीय प्राधिकरण का 2022 का चुनाव मधुबनी क्षेत्र संख्या 22 का 4 अप्रैल को है। आप सभी मतदाता बंधु जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के सदस्य हैं, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति मुखिया, उन लोगों से आग्रह है कि मेरा जो नामांकन सभा है दिन के 11 बजे से टाउन क्लब मैदान में है, वो मधुबनी स्टेशन के सामने में है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लें और मैं इस स्थानीय प्राधिकरण चुनाव में अधिक से अधिक प्रथम वरीयता का वोट देकर हमें जिताबे। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद अध्यक्ष महोदय, जयनगर थाना क्षेत्र में 11 मार्च 2022 को अपराधियों ने मोहम्मद जहूर ग्राम सिराही निवासी बासोपट्टी से 40,000 रुपया छीन लिया। जयनगर थाना अध्यक्ष आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कर पीड़ित को गाली गलौज देकर वहां से भगा दिया। थाना अध्यक्ष के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग सरकार से करता हूँ।